नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको भारत की सबसे बड़े बजट की सबसे बड़ी स्टार कास्ट की जो फिल्म आ रही है रामायण, उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 में फिल्म रामायण की अनाउंसमेंट की गई थी। मधु मंतरा ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी कि वो एक रामायण के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और बहुत बड़े बजट की ये फिल्म होगी। इसको अल्लू अरविंद तथा नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों डायरेक्टर की जोड़ी इस फिल्म को डायरेक्ट करेगी। कौन कौन से दो डायरेक्टर थे उसके बारे में बता देता हूँ। एक दोस्तों रवि उदयवर और दूसरे दोस्तों इसमें जो आपके दंगल फिल्म निर्देशक थे नितेश तिवारी, ये दोनों मिलकर के इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। काफी बड़ी फिल्म बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि कम से कम 2 या 3 पार्ट में इस फिल्म को बनाया जाएगा, क्योंकि रामायण आदि महाकाव्य है, बहुत बड़ी कथा है रामायण की, तो बहुत टाइम चाहिए उसको स्क्रीन पर दिखाने के लिए। एक पार्ट में बनाना उसको असंभव पॉसिबल नहीं है, तो 2 या 3 पार्ट में इस फिल्म को बनाया जाएगा। तो 2017 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई थी दोस्तों। उसके बाद में इस फिल्म की स्क्रीन पर स्क्रिप्ट पर लगातार काम किया जा रहा है, लगातार रिसर्च की जा रही है। जितने भी हमारे जो ग्रंथ है जिसके जिसमें रामायण के बारे में जिक्र है उन सभी का अध्ययन किया जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है। तो करीब 5 साल से इस फिल्म पर रिसर्च जारी है और फिल्म के जो जितने भी जो हमारे करेक्टर है, जो चरित्र है, उनको किस प्रकार से पर्दे पर पेश करना है। मेकर्स ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाए, क्योंकि दोस्तों ये एक हिंदुओं की आस्था से, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें थोड़ी सी भी चूक फिल्म का मतलब पूरी तरह से, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि खराब कर सकती है पूरी तरह से फिल्म को, और काफी सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। तो अभी आपने आदि पुरुष के बारे में देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने रामायण के साथ खिलवाड़ किया है, तो ऐसी कोई गलती यहाँ से मेकर्स की तरफ से देखने को मिलने वाली है नहीं आपको, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी कर ली गई है। फिल्म प्री प्रोडक्शन के स्टेज में है और बीच में ये खबरें भी आई थी कि इस फिल्म में काफी बड़ी स्टारकास्ट होगी, जिसमें ऋतिक रोशन का नाम आया था, रणवीर कपूर का नाम आया था, इसके अलावा मोहन बाबू का नाम आया था, दीपिका पादुकोण का नाम आया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी स्टारकास्ट को फाइनल नहीं किया गया है। मधु मंतरा ने खुद ये बताया है कि अभी तक किसी भी स्टारकास्ट को फाइनल नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही फिल्म की स्टारकास्ट अनाउंस कर दी जाएगी। और जहां तक फिल्म की शूटिंग के बारे में जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी मेकर्स ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2023 में शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2023 में फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी, शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक फिल्म का सारा जितना भी काम है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, लोकेशंस वगैरह है, जितना भी उनके स्टारकास्ट को फाइनल करना है, तो सारी चीजों के ऊपर काम फिलहाल चल रहा है और जल्दी इनको फाइनल कर करके मेकर्स की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही सुनने को इस फिल्म के बारे में मिलने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है, मधु मंतरा ने ये भी कहा है कि हमारा प्रयास ये होगा कि रामायण हमारे लिए एक फिल्म नहीं है, हमारे लिए ये एक भावना है, देश के करोड़ों लोगों की भावना है, उनके जज्बात है, उनकी आस्था है। तो हम रामायण को, जो रामायण का जो एक इतनी बड़ी, इतना बड़ा महाकाव्य है, इतना विशाल है, इतना मतलब इससे सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हमारे जीने की प्रेरणा एक तरीके से, तो इसको हम पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं, पूरे विश्व को, लोगों को बताना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान श्री राम का चरित्र क्या है, माता सीता का चरित्र क्या है, बजरंग बली का क्या चरित्र है, और किस प्रकार हम रामायण से अपने जीवन को, मतलब कि एक तरीके से अपने जीवन को एक सुधार सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इन सब के बारे में हम पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड को परिचित कराना चाहते हैं। तो दोस्तों पैन इंडिया रिलीज होगी, मैग्नम ओपस मूवी होगी और बहुत बड़े स्तर पर इसको रिलीज किया जाएगा। बजट का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली आज तक जितनी भी फिल्में बनी है उन सबसे हाई बजट ये मूवी होगी, बहुत बड़ी इसकी स्टारकास्ट होगी और बहुत बड़े भव्य पैमाने पर इस फिल्म को बनाया जाएगा। और मधु मंतरा के अनुसार एक ऐसी फिल्म बनाई जाएगी जिसको देख करके आपको अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि आप ऐसी फिल्म ही बनाइए ताकि हमें भी गौरवान्वित होने का मौका मिल सके। फिलहाल इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।